नमस्कार, रेस एनटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक युवती ने ऐसा अजब गजब कारनामा किया जिसे देखकर पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। आजकल युवाओं में रील बनाने का शौक इस कदर हावी है कि उन्हें उचित और अनुचित का भी ज्ञान नहीं रहता है। औरैया की भी इस युवती ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया जिसकी वजह से पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लेकर दस्तक नंबर वन। पुलिस की गाड़ी पर बैठकर बेलौस बेखौफ अंदाज में वीडियो बनाने वाली इस युवती की हरकत ने पुलिस विभाग के एक सिपाही को लाइन हाजिर करा दिया है। वायरल वीडियो का उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया और आनन फानन में मामले की जांच शुरू कर दी गई। क्षेत्राधिकारी सदर महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो शिवरात्रि का है। देवकली मंदिर में मेला लगा था। कोतवाली में ड्राइवर ना होने के कारण आरक्षी पुलिस की गाड़ी चलाकर मंदिर के पास पहुंचा था। मंदिर में लाइन व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वह सिपाही चला गया। इसी बीच युवती ने पुलिस की कार के बोनेट पर बैठकर वीडियो बना लिया। संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि युवती के परिजनों को बुलाकर ऐसी हरकतों से बाज आने की हिदायत दी गई है। फिलहाल कोतवाली पुलिस की लापरवाही ने जहां पुलिस विभाग को शर्मिंदा किया, तो वहीं युवती के इस अंदाज ने युवा दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। साथ ही युवती के परिजनों को भी उसकी हरकतों से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। एक से लेकर दस्तक नंबर वन। सर, ये कोतवाली थाना अंतर्गत एक युवती का सरकारी गाड़ी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा प्रकरण? और ये कोतवाली थाना अंतर्गत सरकारी वाहन पर एक युवती का सोशल मीडिया पर रील बनाने का वायरल वीडियो के संबंध में प्रकरण इस प्रकार है। कल महाशिवरात्रि का पर्व था, जिसमें कोतवाली थाना अंतर्गत देवकली मंदिर पर श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन हेतु भीड़ लगी हुई थी, जिसमें कोतवाली थाना के सेकेंड मोबाइल को ड्राइवर न उपलब्ध होने के कारण आरक्षी जो लाइसेंसधारी था चलाकर ले जाया गया था। गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करने के उपरांत श्रद्धालुओं को लाइन लगवाने के लिए चला गया, जिस पर खाली गाड़ी को देख करके युवती द्वारा वाहन पर अपना रील बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस संबंध में युवती के परिजनों को बुला करके सख्त हिदायत दे दी गई है। आरक्षी वाहन को छोड़कर के अन्यत्र जगह ड्यूटी संपादन के संबंध में तत्काल प्रभाव से उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। सभी तथ्यों की गहनता से